everyone and I welcome you all to my channel Career Glow. In Career Glow is always happy to help you in your CTET paper 1. So as you already know that कि fifth class का EVS का summary हम लोगों का complete हो चुका था और आज हम fourth class का EVS का summary में third chapter को करने वाले हैं which is a day with Nandu. तो हम the going to school मतलब going to school जो है first chapter वो हम कर चुके थे, year to year भी हम लोग कर चुके थे और day with Nandu आज हम करने जा रहे हैं जिसमें basically एक elephant की story है और हम इसमें एक और जिसको हम कहते हैं मतलब egret and जो बफलो होता है उसकी स्टोरी या मतलब उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में हम समझेंगे कि क्यों इन दोनों का जो एक रिलेशन काइंड ऑफ अ चीज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि क्यों जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे की जो है हेल्प करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले यहाँ पर है अ डे विद नंदू और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है या फिर इंपॉर्टेंट लिखा है वो हाईली इंपॉर्टेंट है और वहाँ से सीटेट पेपर वन में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ईवीएस के सेक्शन में. दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग विच इज़ नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. तो जो नानी माँ है वो इस एलिफेंट के झुंड में बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट है, विच मीन्स कि नानी माँ का मतलब क्या होता है, एक फीमेल की बात हो रही है, मतलब जो ओल्डर या ओल्डेस्ट जो फीमेल है उसकी बात हो रही है कि हर्ड को चलाने का काम यानी कि जो ग्रुप होता है एलिफेंट्स का उसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन होता है, नानी माँ जो कि फीमेल है, राइट. ये इंपॉर्टेंट था, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है बट ये इंपॉर्टेंट है. दे आर गोइंग टू जंगल, वो लोग जंगल जा रहे हैं, मतलब उनका जो झुंड है उनका जो हर्ड है एलिफेंट्स का वो जा रहे हैं जंगल. एंड देयर दे ईट लीव्स, वहाँ पे वो लीव्स खाएंगे यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं वो खाएंगे. एंड ट्विक्स जैसी कोई चीज़ होती है, लकड़ी जैसी कुछ होती हैं, ट्विक्स खाएंगे. एंड देन मूव टू रिवर, और फिर वो रिवर के पास चले जाएंगे. एंड बेबी एलिफेंट इंजॉय प्लेइंग इन द वाटर एंड ले डाउन एट द बैंक ऑफ द रिवर मड एंड वाटर. तो इसका मतलब ये है कि एक तो नानी माँ जो है सबसे ओल्डेस्ट है एलिफेंट के झुंड में, दूसरी बात वो लोग जंगल जा रहे हैं घूमने के लिए, मतलब वहाँ पे वो लीव्स खाएंगे, ट्विग्स खाएंगे, ठीक है. एंड मूव टू रिवर, और रिवर के पास जाएंगे जहाँ पे बेबी एलिफेंट बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा, वाटर में खेलेगा कूदेगा, मतलब मड मतलब जो कीचड़ या मिट्टी जो होती है और पानी होता है उसमें खेलेगा. एंड सनसेट होने से पहले, बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल. तो वो जो हर्ड है, वो जो झुंड होगा एलिफेंट्स का, वो वापस जंगल से आ जाएगा जहाँ पे वो लोग रहते हैं. सो बेसिक लेवल पे देखा जाए तो ये पूरा पैराग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अ डे विद नंदू का यही रेफरेंस है कि ये जो अ डे विद नंदू है इसमें हम एलिफेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके साथ एक दिन बिताएंगे, राइट. तो एलिफेंट्स के बारे में हमें काफी चीजें जानने को मिलेंगी, तो एक रेफरल या रेफरेंस पॉइंट के लिए ये चीज मैंने लिखी हुई थी. हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वहां से यहां से क्वेश्चन आएगा जो कि मैंने वेरी इंपॉर्टेंट से यहां पे लिखा हुआ है कि जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में, राइट, एक दिन में वो 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स खा लेता है. तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से सीटेट पेपर वन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है वो 100 किलोग्राम तक जो लीव्स और ट्विग्स है वो एक दिन में खा लेता है. अब यहाँ पे आपको आपके जो भी आपने चीज़ें याद करी ना आपकी मेमोरी के साथ यहाँ पे खेला जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 200 kilograms, राइट, यहाँ पे लिख देंगे इन 2 days. तो इस तरीके का हेर फेर जो है वो करेंगे क्योंकि देखो चैप्टर्स तो एज इट इज़ वही रहेगा, जो चैप्टर है उसके डेटा को वो लोग छेड़ सकते हैं, राइट. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है वो 100 kilograms एक दिन में खा लेता है लीव्स एंड ट्विग्स. एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, ये लोग ज़्यादा टाइम तक रेस्ट जो है नहीं करते. एंड दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours, ये बस दिन में वो भी 2 to 4 hours सोते हैं. हो सकता है यहाँ पे 8 लिख दिया जाए, हो सकता है 18 लिख दिया जाए, राइट. सो ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाली है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है एलिफेंट्स जो हैं वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते. दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे, दिन में 2 to 4 hours जो हैं सोते हैं. एलिफेंट्स को मड में यानी कि कीचड़ में और पानी में खेलने का बहुत मन करता है, उनको बहुत अच्छा लगता है. मड से क्या होता है, जो कीचड़ या जो मड या मिट्टी होती है वो उनकी स्किन को कूल रखती है, उनके जो बिग ईयर्स होते हैं वो भी फैन की तरह काम करते हैं. हमने इसके सेकेंड चैप्टर में ईयर टू ईयर में पढ़ा था कि एलिफेंट के जो कान होते हैं, जो ईयर होते हैं उनके, वो फ्लैप करते हैं, मतलब फैन जैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं. द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल, और अपने आप को कूल रखने के लिए वो इनसे हवा भी कर लेते हैं, इनको फ्लैप करते हैं. फ्लैप का मतलब है जैसे फ्लैप करते हैं ना हवा, जो है हम पंखा करते हैं कभी न्यूज़पेपर वगैरह से, तो वैसे ही वो अपने ईयर को भी कर लेते हैं. तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड सीधा सीधा आ सकता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, और अगर मुझे मौका लगेगा तो मैं सीटेट
का ये वाला क्वेश्चन ज़रूर दिखाऊंगी। सो एक एडल्ट एलिफेंट जो है वो 100 किलोग्राम्स तक लीव्स और ट्विग्स खा लेता है एक दिन में, एंड ये लोग ज़्यादा जो रेस्ट है वो नहीं करते, ये 2 से 4 घंटा सोते हैं दिन में, और इनको मड के साथ, कीचड़ के साथ, पानी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मड जो है इनकी स्किन को कूल रखता है। उनके पास बड़े बड़े कान होते हैं जो फैन की तरह एक्ट करते हैं, और ये इनको फ्लैप भी करते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट, वो एक और अनदर पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ लिखा है एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स। देखो यहाँ से क्वेश्चन जो है ना ये भी पूछा गया है कि मेनली एलिफेंट के हर्ड में कौन होता है, मतलब एलिफेंट्स का जो झुंड होता है, उनका जो ग्रुप होता है, उसमें मेनली कौन से एलिफेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल्स होती हैं। तो सबसे ज़्यादा फीमेल्स होती हैं, और यहाँ से भी हमें पता चल ही गया है, जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिखा था यहाँ से भी हमें पता चल ही चुका है इस चीज़ के बारे में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो एलिफेंट, मतलब इनका जो झुंड होता है, उसमें मेनली फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। सबसे ओल्डेस्ट जो फीमेल होती है इज़ द लीडर ऑफ़ दी हर्ड, यानी कि जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है, नानी माँ जिसको हमने कहा था, सबसे ओल्डेस्ट फीमेल जो होती है वो इस हर्ड की, इस जो इस झुंड है उसकी लीडर होती है। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स, और इस हर्ड में, इस ग्रुप में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं, और उसमें बच्चे होते हैं, यानी कि यंग वंस होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन अ हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, मतलब जो मेल एलिफेंट्स होते हैं ना, मेल एलिफेंट जो होते हैं वो 14 से 15 साल तक के, जब वो ओल्ड नहीं हो जाते, 14 से 15 साल तक वो इसी हर्ड में रहते हैं फीमेल एलिफेंट्स के साथ। देन दे लीव देयर हर्ड, उसके बाद वो अपने हर्ड को, अपने झुंड को छोड़ के चले जाते हैं एंड मूव अराउंड अलोन, और अकेले जो है वो घूमते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड वेन ही इज दैट ओल्ड, सॉरी ये ओल्ड और दो दो बार आ गया, बट यहाँ पे लिखा है कि नंदू भी अपने इस हर्ड को, इस ग्रुप को छोड़ के चले जाएगा जब वो भी उतना ओल्ड हो जाएगा, जब वो भी 14 से 15 साल तक का हो जाएगा, तो वो भी अपने इस झुंड को छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ से अनदर इंपॉर्टेंट बात हमें सामने आने, मतलब आती है, जो कि डेटा बेस्ड है, और वो ये है कि जो एलिफेंट होता है, जो एलिफेंट का ग्रुप होता है, उसमें मेनली फीमेल एलिफेंट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें बेबी एलिफेंट्स होते हैं जो 10 से 12 साल तक के, जब तक कि वो 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स यहाँ पे रहती है अपने बच्चों के साथ, यानी कि जो यंग वंस होते हैं उनके साथ, और जैसे ही वो 14 से 15 साल के होते हैं, वो जो यंग वंस हैं, मेल है, वो इस झुंड को छोड़ के चले जाते हैं और अपना अलग से घूमते हैं। और नंदू को भी, अभी तो नंदू छोटा है, लेकिन नंदू को भी जब वो 14 से 15 साल का हो जाएगा, तो उसको भी हर्ड छोड़ के जाना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक एलिफेंट, सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। जैसे एलिफेंट ग्रुप में रहते हैं ना, वैसे ही बाकी एनिमल्स जो हैं वो भी ग्रुप्स में रहते हैं। दीज एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड, इन एनिमल्स के ग्रुप को हम हर्ड्स कहते हैं, ठीक है, मतलब जिसको हम झुंड कह रहे हैं, ग्रुप कह रहे हैं, उसे हर्ड्स कहते हैं। एनिमल इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर, ये हमेशा साथ घूमते हैं एंड सर्चिंग फॉर फूड, एक तो खाने की तलाश में साथ घूमते हैं, पानी की तलाश में साथ घूमते हैं, कभी हंट करना होता है तो भी साथ घूमते, तो ये उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। सर्चिंग फॉर फूड मीन्स हंटिंग करना एनिमल्स को, एंड जो उसके, मतलब एनिमल्स का जो हर्ड है उसी, मतलब ये आसपास घूमते हैं जब इनको खाना वगैरह खाना होता है, या जब इनको शिकार करना होता है, जब इनको पानी पीना होता है, ये लोग तब साथ में घूमते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जैसे फाइंड आउट एंड राइट विद अदर विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड, आपको ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं एनिमल्स के जो कि हर्ड्स या कहीं झुंड में रहते हैं, जैसे डियर हो गया, जाबरा हो गया, ज़ेब्रा हो गया, चीतल हो गया, गौर हो गया, इम्पाला, एंड काउज। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोग फाइंड आउट कीजिए और बताइए कि एनिमल जो है वो कौन से हर्ड या कौन से झुंड में रहते हैं, मतलब कौन कौन से एनिमल्स झुंड में रहते हैं। तो ये सारे एनिमल्स झुंड में रहते हैं, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बट एलिफेंट्स भी हर्ड में रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हर्ड में रहते हैं। और कभी आपने, जब भी, मतलब आप DSSSB की तैयारी करोगे तो आप उसमें इंग्लिश पढ़ोगे, राइट? तो जब आप उसमें इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन होता है, और उसी कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे ग्रुप्स बताए जाते हैं, जैसे कि प्राइड ऑफ लायंस हो गया, कभी आपने बचपन में सुना भी होगा जब आप इंग्लिश पढ़ते थे। तो एक होता है प्राइड ऑफ लायंस, प्राइड ऑफ लायंस का मतलब है जब लायन की झुंड होता है तो उसको हम प्राइड ऑफ लायंस कहते हैं, और एक जगह पे अगर बहुत सारे आउल इकट्ठा हो जाए तो उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ आउल, उसको हम पार्लियामेंट ऑफ आउल भी कहते हैं। सो ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कलेक्टिव यानी कि जो एक साथ झुंड में रहते हों, तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ व्हाई डू यू थिंक द इगरेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो, अब ये एक बफेलो है, ये इगरेट जो है इसके ऊपर क्यों बैठी है। नाउ इगरेट जो है एक फ्रेंड है, इगरेट इज़ अ फ्रेंड ऑफ बफेलो, ये जो इगरेट है ये बफेलो की फ्रेंड है। इट ईट्स द इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो, अब बफेलो की स्किन पे ना बहुत छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं,
ओके सो मतलब जो इग्रेट होती है वो बफलो की फ्रेंड है और वो ईट करती है इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बफलो. बफलो की जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं मतलब बफलो की जो स्किन होती है उसमें छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है. और ये जो इंसेक्ट होते हैं इनको ये इग्रेट जो है वो खा लेता है. सो बेसिकली इनके बीच में ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. अब आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये पूरा पैराग्राफ मैंने नेट से लिया हुआ है और जिसमें म्यूचुअलिज्म के बारे में बात करी है ये मैंने पूरा पैराग्राफ नेट से लिया हुआ है. तो आप चाहो तो अपने नोट्स में नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो. इट इज़ द मीनिंग ऑफ म्यूचुअलिज्म. तो म्यूचुअलिज्म है इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इन विच बोथ स्पीशीज बेनिफिट, जिसमें सारी जो स्पीशीज होती है दोनों स्पीशीज होती है उसको बेनिफिट मिलता है, राइट. कैसे बेनिफिट मिलता है? क्योंकि इग्रेट जो है वो हमेशा से ग्रेजिंग बफलो को फॉलो करती. ग्रेजिंग बफलो मतलब जो घास चर रही होती हैं बफलोज उनको फॉलो करती हैं. एंड ईट फ्लाइज एंड बग्स दैट टेंड टू बॉदर कैटल. और कैटल को जो बग्स जो छोटे छोटे बग्स या फ्लाइज जो हैं परेशान करती हैं ना तो इनके स्किन पर बैठती हैं ये इग्रेट उनको खा लेती हैं. द मोमेंट ऑफ फॉरगिंग लाइफ स्टॉक ऑल्सो डिसलॉज वेरियस इंसेक्ट्स फ्रॉम द फील्ड विच इग्रेट्स फीड ऑन. तो ऐसे इस पूरे एरिया में मतलब इस पूरे जो आपका लाइफ स्टॉक मतलब सॉरी इस पूरे फील्ड के अंदर जितने भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं जितने भी छोटे छोटे फ्लाइज या बग्स होते हैं उन सबको जो भी इनके रस्ते में आते हैं इनको बॉदर करते हैं वो सब कुछ ये खा लेती हैं. तो ये म्यूचुअलिज्म है या फिर हम इसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं. तो क्योंकि आपका जो सीटैट का जो सिलेबस है या फिर सीटैट का जो आपके क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ जो हैं हो रहे हैं, मतलब इतने भी टफ नहीं हो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है. सारा कुछ आपको एक जैसा तो वो नहीं दे सकते ना, मतलब सारे चैप्टर से क्वेश्चंस बनाने होते हैं. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इग्रेट एंड बफलो के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है. तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को ही बेनिफिट मिलता है. सो अब यहाँ पर नेक्स्ट है एनिमल्स आर सैड बिकॉज मेनी पीपल कैच देम एंड यूज देम फॉर देयर ओन बेनिफिट बिकॉज ऑफ विच दे आर डिप्राइड ऑफ फ्रीडम. देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि जो एनिमल्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं सर्कस में या फिर और भी बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं तो एनिमल जो होता है वो बहुत सैड हो जाता है और बहुत सारे जो लोग होते हैं उसे कैच करते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए. ये चीज़ मैंने 5th क्लास का जब हम ईवीएस का समरी कर रहे थे चैप्टर 1 सेंसेस के ऊपर बेस्ड वो चैप्टर था तो उसके अंदर भी यहाँ पे बताया हुआ था कि हम जो क्रोकोडाइल है या फिर जो भी आपका स्नेक होता है क्रोकोडाइल होता है टाइगर होता है हम उसको उसकी स्किन के लिए किसी को हॉर्न के लिए और किसी को उसके जो क्लॉज वगैरह इन सब के लिए हम उनको यूज़ कर लेते हैं स्किन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. तो वही चीज़ है कि एनिमल जो है ना वो सैड होता है हम अपने खुद के बेनिफिट के लिए उनकी फ्रीडम को छीन लेते हैं, राइट. तो ये चीज़ गलत है. जैसे एलिफेंट्स का मतलब इनको जू में रखना या फिर जो भी टाइगर है जो भी लायन है उसका इस्तेमाल करना जू वगैरह में रखना तो ये चीज़ गलत है और एनिमल को बहुत ज़्यादा सैड महसूस होता है. इसके अलावा जो इसका चैप्टर 2 था मतलब चैप्टर 2 जो था इसी बुक का ईवीएस के जो 4th क्लास का समरी है उसमें जो चैप्टर 2 था जिसके अंदर हमने बात करी थी जिसमें हम ईयर टू ईयर सॉरी जो चैप्टर 1st था आपका जिसमें हम कैमल कार्ट के बारे में और बफलो वाले जो कार्ट उसके बारे में पढ़ रहे थे कि जो कार्ट होती है बेसिक लेवल पे उसमें एनिमल को यूज़ किया जाता है. तो वही चीज़ है यहाँ पे कि उसके अंदर एनिमल को यूज़ किया जाता है तो एनिमल को कैसा फील होता है उसको सैड लगता है अच्छा लगता है कैसा फील होता है. ओके सो नाउ सेकंड है. सेकंड भी ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपका ये सेकंड पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट द मॉन्कीज़ दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मॉन्कीज़ दैट आर फ्री. नाउ वो मॉन्कीज़ जो फ्री होते हैं और वो मंकीज़ जिनको पकड़ के डांस करवाया जाता है जिनका इस्तेमाल किया जाता है लाइक मदारी और जो मंकी मतलब होते हैं वो उनसे डांस करवाते हैं तो आपको कैसा लगता है कि उन मंकीज़ को कैसा फील होता होगा. तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने फिर भी लिख दिया है इस रेफरेंस के लिए कि मतलब जो आपका मंकी होता है उसे कैसा फील होता है या एनिमल जो होते हैं वो सैड होते हैं. सो द मंकीज़ दैट डांस टू एंटरटेन पीपल डू नॉट एंजॉय फ्रीडम एज दे आर कॉट एंड आर यूज्ड बाय पीपल फॉर देयर ओन बेनिफिट. तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि में उनके खुद के बेनिफिट के लिए यहाँ पे रखा जाता है मतलब एनिमल्स को या मंकी को खुद के बेनिफिट अपने मतलब पीपल जो है अपने खुद के बेनिफिट के लिए उनको यूज़ करते हैं उनको पकड़ के रखते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. तो उनको सैड फील होता है बट द मॉन्कीज़ दैट आर फ्री. लेकिन जो मॉन्कीज़ फ्री हैं एंड जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो हैप्पी हैं दे डू वट एवर दे लाइक उनको जो पसंद है वो करते हैं एंड दे कैन गो वेर एवर दे वॉन्ट और वो जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं. अब यहाँ पर नेक्स्ट है डू यू नो एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल. तो एलिफेंट जो होता है ना वो
बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब वो ट्रबल में होते हैं. मतलब एलिफेंट ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई भी एनिमल होता है वो हेल्प करती ही हैं. जब वो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुआ था तो आपको पता है कि कैंगरू जो है वो कुआला के बच्चों को पकड़ के अपने पॉकेट में, मतलब कैंगरू को भी, मतलब कैंगरू की जो मम्मी है या कैंगरू जो है वो अपने बच्चे को, कैंगरू को, छोटे बच्चे को उसको पॉकेट में रखता है, साथ में कुआला के बच्चे को भी रखता है क्योंकि उसको बचाना होता है. तो एलिफेंट्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो बेसिकली हेल्प करते ही हैं. सो एलिफेंट्स हेल्प each other when in trouble, they join together to care for and rescue their young ones. कभी अपने young ones को बचाने की ज़रूरत पड़े तो वो भी करते हैं. Mothers की mother को हम नानी माँ कहते हैं, ये चीज़ तो हमें पता ही है अच्छे से कि mothers की mother को नानी माँ कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ मैंने लिख भी दी है. मतलब इधर ये चीज़ थी ना कि नानी माँ इज़ द oldest इन दिस herd ऑफ एलिफेंट्स, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बट स्टिल मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया. अब एक और चीज़ थी लास्ट है कि एनिमल को कैसा लगता है, एनिमल जो है वो सैड फील करता है. अब यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो स्नेक है वो कह रहे हैं कि मुझे तो हमेशा से बास्केट में रखा जाता है. द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट इज लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर में कैसा रहता है, तो मैं भूल ही चुका हूँ. फॉर मी इट इज ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर. मतलब जो स्नेक चार्मर होता है, सपेरा होता है, वही मुझको, मतलब वही मेरे इर्द गिर्द होता है और या फिर मैं उसी बास्केट में रहता हूँ. तो कहने का मतलब है कि ये जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सैड है. मतलब एक तरीके से बच्चों को ना हमें थोड़ा सा सेंसिटाइज करना चाहिए एनिमल्स के प्रति. यू सी मी इन सर्कस, आप मुझे सर्कस में देखते हो डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, यू क्लैप एंड एन्जॉय. डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एन्जॉय ऑल दिस, क्या आपको लगता है कि मुझे भी ऐसा जंप करना, रिंग्स में, रिंग ऑफ फायर में जंप करना ऐसा मुझे अच्छा लगता है. एंड इफ़ आई डू नॉट डू दिस मुझे कोई फूड भी नहीं मिलेगा और मुझे मार और पड़ेगी. तो ये चीज़ है कि जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर अपनी स्टोरी सुना रहे, हालांकि सचमुच की स्टोरी नहीं सुना रहे, लेकिन वो उनको ऐसा ही फील होता होगा. तो दिस इज़ अ वेरी गुड टीचिंग मटीरियल, ये एक बहुत अच्छा TM है, दैट इज टीचिंग मटीरियल है. ये बहुत अच्छा टीचिंग मटीरियल है जो हम बच्चों को दिखा सकते हैं. इससे क्या होता है, बच्चे एनिमल्स की जो बातें हैं या फिर उनके जो भी बिहेवियर्स हैं उनको समझ पाएंगे. नाउ यहाँ पे लिखा है यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आपने मुझे सिर्फ इतना ही देखा कि मुझे, मैं कितना तेज भागता हूँ. हैव यू सीन माई शूज़, क्या आपने मुझे मेरे शूज़ देखे हैं. सो वही सब चीज़ों की बात है. यहाँ पे सारा तो मैं जो है नहीं पढ़ने चाहती क्योंकि यहाँ से बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं यही बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा टीचिंग मटेरियल है. ये मॉन्कीज़ के ऊपर है, ये पिजन के ऊपर, ये बहुत रिलैक्स्ड फील करता है. इसको किसी ने रखा नहीं. यहाँ पे लिखा है डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी ग्रेन्स. मतलब कबूतर का एकदम सॉर्टेड है. मतलब कबूतर जो है, जो गुटरगू कर रहा है, उसका सॉर्टेड है. मतलब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसे तो लोग बुलाते हैं खाना देने के लिए और ये फ्री घूमता रहता है, राइट. और यहाँ पे लिखा है जैसे म्याऊं म्याऊं के बारे में लिखा, कैट के बारे में लिखा है, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, जहाँ मैं चाहती हूँ वहाँ मैं जा सकती हूँ. चिल्ड्रन मुझे बहुत प्यार करते हैं, दे पैट मी, वो मुझे प्यार करते हैं और मुझे मिल्क भी देते हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ एनिमल्स जो हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, वो फ्रीली, मतलब फ्रीडम हर किसी को चाहिए तो फ्रीली रोम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है. इसके अलावा, मतलब यहाँ पर हम ये वाला चैप्टर जो है वो कर चुके हैं. सो बेसिकली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज. थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना. दूसरी चीज़ ये कि आप अपने नोट्स जो हैं प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि अब हम नेक्स्ट जो सीटर है उसकी तैयारी करेंगे, तो ये उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था. और बेसिकली अगर वीडियो के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस या फिर वॉइस अगर आई हो आपको एक्स्ट्रा, तो आप उसको थोड़ा सा लाइक, मतलब ठीक है, आप उसको इग्नोर करें और जो मेन कंटेंट है उस पर फोकस करें. सो थैंक यू सो मच.